हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी फूडीज़। तो आज हम बनाने वाले हैं पापड़ी चाट, वो भी बिना पापड़ी के। चौंक गए ना? तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से इसको बनाना है, ये बहुत ही ईजी और क्विक रेसिपी है। तो इसके लिए हमें चाहिए कुछ सब्जियाँ। इसमें मैंने लिया है प्याज, एक टमाटर, थोड़ी सी धनिया की पत्ती, एक हरी मिर्च और एक खीरा। तो आप इसकी जगह पे कोई और सब्जी भी ले सकते हैं, जैसे कॉर्न हुआ, मटर हुआ बॉइल्ड, वो कुछ भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड है। स्प्राउट भी डाल सकते हैं। तो चलिए, मैंने तो यही सब्जियाँ लिया है। अब इसको हम कट कर लेते हैं, एकदम बारीक बारीक टुकड़ों में कट करना है आपको, कुछ इस तरीके से। देखिए, मैंने सारी सब्जियों को कट कर लिया है। अभी हम लेंगे उबला हुआ आलू, ये मैश करके मैंने रखा हुआ था। इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसमें मैंने ऐड किया है नमक आधी छोटी चम्मच, चिली फ्लेक्स आधी छोटी चम्मच, चाट मसाला। फिर इसमें डालेंगे हम टोमेटो केचप, आप इसकी जगह पे इमली की चटनी भी ले सकते हैं। फिर हमने जो सब्जियां काट के रखी हैं वो सभी चीज़ें इसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा। तो एक एक चम्मच मैंने प्याज, टमाटर, धनिया की पत्ती, हरी मिर्च और 2 चम्मच के करीब मैंने लिया है खीरा। तो इसमें सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिक्स करना है। कुछ इस तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है सारी चीज़ों को अच्छे से। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए लिया है हमने फ्रायम्स। तो फ्रायम्स को हम बीच में से कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। आप पूरा का पूरा भी यूज़ कर सकते हैं साबुत, लेकिन मैंने इसमें बीच में से कट लगा दिया है ताकि एक बाइट में एक पीस आ सके पूरा। तो कुछ इस तरीके से मैंने एक तरीके का कट किया है, और एक तरीके से चाट और बनाएंगे बिना पोटैटो के। तो हमने इसको आधा आधा भी डिवाइड किया है कुछ फ्रेम्स को। देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने आधा आधा डिवाइड किया है इसको। अब हम इसको साइड रखेंगे, और ये जो मसाला है हमने रेडी किया था वो लेकर इन्हीं सारी फ्रायम्स में फिल कर देंगे। देखिए, कुछ इस तरीके से ये सारी मसाले को हमें फिल करना है अच्छे तरीके से दोनों साइड से। देखिए, कुछ इस तरीके से हमने फिल कर लिया। अभी इसी तरीके से हमें सारे फ्रायम्स को रेडी करना है। मैंने सारे फ्रेम्स को इसी तरीके से रेडी किया है आलू को भर के, आलू की फिलिंग। फिर इसको हम ये सेव भुजिया होती है उसको लेंगे, और इसको हम दोनों साइड से डिप करेंगे सेव भुजिया में ताकि उसके ऊपर एक कोट लग जाए। फिर उसके बाद हम उसको प्लेट पे रखेंगे, और साथ में इसमें टोमेटो केचप डालेंगे। कुछ इस तरीके से टमाटो केचप डाल दिया है मैंने। इसमें डालेंगे धनिया की पत्ती। फिर इस पे डाला है मैंने कुछ नमकीन, आप कोई सी भी नमकीन ले सकते हैं जो आपको पसंद हो कुरकुरेपन के लिए। फिर इसमें डाला है मैंने हरी चटनी। तरीके से हमारा चाट बनकर रेडी है ये वाला। अब हम चलते हैं दूसरे चाट की तरफ। तो इसके लिए मैंने सारे फ्रायम्स लिए हैं। इसमें मैंने सभी चीज़ें जो हमने सब्जियां काट के रखी थी, प्याज, टमाटर, खीरा, धनिया पत्ती, ये सभी चीज़ें हमने फिल किए हैं ऐसे, उसमें रखेंगे थोड़ा थोड़ा और प्लेट में सजा देंगे कुछ इस तरीके से। मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से फिल किया है और प्लेट में रख दिया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे चाट मसाला, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, उसके बाद डालेंगे हरी धनिया की चटनी, फिर टमाटो केचप, फिर इस पे हम डालेंगे सेव भुजिया। आप कोई और भी नमकीन ले सकते हैं आलू भुजिया की जगह पे। फिर इसके बाद हमने डाला है इसमें अलग नमकीन,
फिर इसमें डालेंगे धनिया की पत्ती। आप इसके साथ दही भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो, मैंने नहीं यूज़ किया है। तो लीजिए, हमारा दोनों चाट बनकर रेडी है। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो इसको एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। तो इसी के साथ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस रेसिपी को, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय।